हेलो फ्रेंड्स, मैं नगेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन किया था, डिस्कस क्या होता है क्लासिफिकेशन, कैसे करते हैं, क्या अपनी अप्रोच रहनी चाहिए। क्लियर है? तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए मैं आपके लिए नया पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट टू। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन आपके कैसा आएगा, आपको बताया था है ना कि फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से विषम संख्या चुनिए। ठीक है, चार ऑप्शन आएंगे डायरेक्ट, ए बी सी और डी। ए बी सी डी चार ऑप्शन आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके, दो तीन नौ सात, दो तीन नौ सात। ठीक है, भाई जिनको भी इशू है वो देख लें, दो तीन नौ सात क्या होगा, एक बार थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं उसके बाद वापस। चलिए, दो तीन नौ सात दिखते ही सब ने टिक कर दिया होगा, दो। दो कैसे कि भाई देखिए, दो इवन नंबर है ना, सम संख्या, बाकी ऑड ऑड ऑड। क्वेश्चन भी ये बोल रहा है फाइंड द ऑड है ना, तो ये बिल्कुल अलग है, लेकिन रीजनिंग में जो दिखता है वो आंसर होता नहीं है, हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं है लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, एकदम से जो दिखता है कभी कभार वो आंसर होता नहीं है। ठीक है, दो आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखो बिल्कुल आम सोच। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें फ़र्क रहता है आपकी सोच का है ना, कि भाई ऐसा आड़ूपने से नहीं होगा। ठीक है, क्या फ़र्क है, दो तीन नौ सात, दो आपको एनालॉजी के टाइम मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बताया था, अभाज्य संख्या है ना। देखिए, दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या, सात अभाज्य संख्या, अलग क्या हो गया, नौ। क्लियर हो गया? आपको महत्व देना है क्लासिफिकेशन के अंदर किसको, प्राइम नंबर्स को, क्यूब्स को, ठीक है, इनको स्क्वायर्स को। ठीक है, नौ को आप परफेक्ट स्क्वायर भी मान लो, परफेक्ट स्क्वायर है ये, बिल्कुल वर्ग है किसका, तीन का। ठीक है, तो भी अलग है, और दो तीन सात ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और नौ अलग है। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपन नंबर मोस्टली क्या माइनस करवाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, दो दो आंसर है फटाफट, बिना सोचे अपन ने दो टिक कर लिया, गलत हो गया है ना। चलिए, मैं आशा कर सकता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 49, ऑप्शन नंबर सी 255, ऑप्शन नंबर डी 169, 25, 49, 255, 169। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, आप रोक के वीडियो को रोक के सवाल कीजिए पहले। ठीक है, 25, 49, 255, 169 क्या अलग है, देखिए 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, सही है, 49 7 का स्क्वायर, 255 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, 169 13 का स्क्वायर। ठीक है, अलग क्या है, ये आपके अलग है ना, स्क्वायर्स के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँच छः सात नौ, ऑप्शन नंबर ए छः, ऑप्शन नंबर बी सात, ऑप्शन नंबर सी पाँच, ऑप्शन नंबर डी नौ, क्या होगा, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगे, छः सात पाँच नौ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, कुछ याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर वन देखते ही काफ़ी लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा, सिक्स, क्यों, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर इवन नंबर है ना, नहीं है, दिख रहा है आपको, ये आंसर नहीं होगा, जो दिखता है वो आंसर होता नहीं है, क्या आंसर होगा, नाइन, क्यों, परफेक्ट स्क्वायर, अभी बताया था आपको, याद कर लो ये लॉजिक होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तीन का स्क्वायर। ठीक है, पाँच क्या है, एक नंबर मान लो या प्राइम नंबर मान लो, प्राइम नंबर का कंसेप्ट, सात प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर का कंसेप्ट फॉलो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पाँच और सात तो प्राइम नंबर है, छः प्राइम नंबर नहीं है, नौ प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? अगर तीन प्राइम नंबर के होते तो वो कंसेप्ट फॉलो करते हैं।
ठीक है, पांच प्राइम नंबर, नहीं तो आप नॉर्मल नंबर मान लो, सात नॉर्मल नंबर है, छह नॉर्मल नंबर है, क्लियर हो गया, नौ परफेक्ट स्क्वायर है, आपको महत्व परफेक्ट स्क्वायर को देना है, ठीक है। ये लॉजिक मत लगाना, ऑड इवन, डायरेक्ट ये लॉजिक नहीं लगता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आया है उसमें कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ना ही वो किसी का प्राइम नंबर है, ना ही वो किसी का स्क्वायर है, ना ही किसी का क्यूब है, और भी कुछ नहीं हो रहा है, सबसे लास्ट के अंदर जाके अपन देखते हैं भाई ये ऑड है या इवन है, क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, छः सात पाँच नौ, क्लियर है, आशा करता हूँ आपको आ गया होगा, ठीक है। आड़ूपना मत दिखाना, क्लियर से है, हम तो सिक्स मानेंगे, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। एग्जाम दे के आओगे, मान लो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आ गए, रीट लगाओगे बाहर आके, आरटीआई लगाओगे, होना जाना कुछ है नहीं, क्लियर है, आपका अपना टाइम वेस्ट करोगे, चलिए जितना करो उतना आप मानते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए, 12, 156, 8, 72, 9, 72, 10, 110, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से लाइट का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। 12, 156, 8-72, 9-72, 10-110, क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या कैसे देखते हैं, 12, 156, क्या कनेक्शन है, एनालॉजी के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी, एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन, ऐसा कोई कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, एन स्क्वायर है ना। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 12 जोड़े कितना हो गया, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 156 हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 8 ऐड किए 72, दिख रहा है। 10 का स्क्वायर 100, 10 ऐड किए 110, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 9 ऐड करने थे 90 हो रहा था, 90 नहीं है, क्या हुआ है, 81, 9 का स्क्वायर माइनस 9 किया, तब कितना आ गया आपके 72, क्लियर है। तो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये आंसर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, तीन ऊपर के सेम होंगे, मतलब कोई भी जो तीन ऑप्शन होंगे वो एक कैटेगरी के होंगे, सेम होंगे, चौथा जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, वही अपन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में, क्लियर हो गया। एक बाकी एक इसका सिंपल सा पैटर्न, m इंटू एन, m इंटू एन, 12 इंटू 13, 156, 8 इंटू 9, आगे वाला नंबर लेना है ना, 8 इंटू 9, 72, 10 इंटू 11, 110, 9 इंटू 10, 90 होना चाहिए था, लेकिन क्या किया, 9 इंटू 8, पीछे वाला नंबर मल्टीप्लाई किया है, 72, 72 गलत, ठीक है। तो ये था आपके क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्टीन, 167, 119, 227, 14, 194, क्वेश्चन बता देता हूँ, 13, 167, 11, 119, 15, 227, 14, 194, क्या होगा वो आपको देखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आ गया होगा बिल्कुल समझ में, जो अपन अभी तक क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे हैं, मैं एक ही लाइन बता रहा हूँ, स्क्वायर कुछ पता चला, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 167, सही बात है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119, सही बात है। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 करते तो कितना आता, 223, क्या आया है 227, इसने क्या किया है 225, 15 का स्क्वायर 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया 227। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, क्लियर हो गया। जो इन पैटर्न को फॉलो नहीं करता है वो ऑड, वो विषम, वो अलग होता है, ये अलग है आपके, 15, 227, क्लियर हो गया, ठीक है, आगे होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 125, 729, 216, 529, ठीक है, 125, 729, 216 एंड 529, क्या होगा ऑड मैन आउट, थोड़ा सा दिमाग लगे, सिंपल विषम, ऑड 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 है ना, मना किया था, इतना सिंपल जो दिखता है वो आंसर होता नहीं है, मान लो, ठीक है।
125 क्या हो गया, 5 का क्यूब घन, 5 का घन 125, 729 क्या हो गया, 9 का घन, 9 9 81, 9 7 29, ठीक है, 216, 6 का क्यूब, ठीक है, 529, किसी का क्यूब नहीं है, ये 23 का स्क्वायर है, 23 का क्या है, स्क्वायर, 529, ऊपर से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, सब क्यूब थे एक दूसरे के, मतलब 5 का क्यूब, 9 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये क्या है, 23 का स्क्वायर, 529 वर्ग है, ये अलग है, क्लियर है। आपको महत्व देना है नंबर पे, अगर बेस्ड कोई भी आ जाए क्लासिफिकेशन तो हो सके तो प्राइम नंबर, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, घन, अभाज्य संख्या और वर्ग को आपको महत्व देना है, ठीक है। मैं आशा कर सकता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन एट फोर सेवन, 7948, 9783, 6958। अब देखिए, इस बार चार संख्या वाले हैं, ठीक है, 9847, 7948, 9783, 6958, क्या होगा, देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ जाएगा समझ में, ठीक है। चार संख्या क्या है, तब नॉर्मली आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो इनको जोड़ के देखा करो, हो सकता है कुछ उसके अंदर आ जाए आपको। 9 8 9 और 8 17 17 और 4 21 21 और 7 28 28, ठीक है, 7 और 9 16 16 और 4 20 और 8 28, सही है, 9 और 7 16 16 और 8 24 और 3 27, ठीक है, 6 और 9 15 15 और 5 20 20 और 8 28। तो देखिए कौन सा अलग दिख रहा है, 28 28 28 27, जो कॉमन लॉजिक जो काम करता है, 9783, ये अलग है, अलग क्यों है, ऐड करने पे इसको आया 27, बाकी सबको ऐड करने पे क्या आया, 28, तो ये है आपके ऑड मैन आउट, क्लियर है। नेक्स्ट, एक सौ सत्रह तेरह इक्यासी नौ चौसठ आठ चौपन छ, एक सौ सत्रह तेरह इक्यासी नौ चौसठ आठ चौपन छ, क्या होगा, देखिए इस बार दिमाग मत लगा देना, 6 8 9, ये तो सब नॉर्मल नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, नहीं, ठीक है, देखिए 13 117 क्या कनेक्शन है, 13 9 117, ठीक है, 9 81 क्या कनेक्शन है, 9 9 81, ठीक है, 6 54 क्या कनेक्शन है, 6 9 54, 6 × 9 54, 8 64 क्या कनेक्शन है, 8, सब में 9 का भाग जा रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये अलग हो गया, 64 8, इसमें 8 का भाग जाता है, बाकी सब में 9 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो ये आंसर है इसके। एसएससी के अंदर आजकल जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वो देखिए आप, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 462 396 574 671, 462 396 574 671 क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल काफी प्रचलन में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, देखिए, और इवन नंबर ऑड नंबर मना किया था, ये कंसेप्ट सबसे लास्ट में लगाना है, ठीक है, जब कुछ भी नहीं लग रहा है तब लगाना है ये कंसेप्ट, स्टार्टिंग में पहला ही कंसेप्ट अगर आप ये लगा ले तो आंसर गलत होने के चांस रहते हैं, ठीक है, देखिए क्या कंसेप्ट है, 4 2 4 और 2 6, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के बीच वाली संख्या आ रही है, 4 और 2 6, 3 और 6 9, सही है, 6 और 1 7, सही है, 5 और 4 9 होना चाहिए था, गलत है ना, 5 और 4 9 आता, लेकिन क्या दिया है, 7, तो ये गलत है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी के अंदर, ठीक है, रेलवे के अंदर भी आने के चांस है, ठीक है, तो इसको कर लेना, बाय क्लासिफिकेशन है, ठीक है,
ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पच्चीस एंड 155, 25 एंड 155, 36 एंड 63, 36 एंड 64, ठीक है, 23 एंड 61, 48 एंड 50, 48 और 50, 25 और 155, 36 और 64, 23 और 61, 48 और 50, क्या होगा इनमें से ऑड मैन आउट? निम्न में से विषम संख्या चुनिए, तो क्या होगा इसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 और 155, ठीक है, 5 का भाग जा रहा है, चलिए नेक्स्ट। 36 64, 2 का जा रहा है भाग, नेक्स्ट। 48 50, मतलब डिविजिबल है, भाग तो जा रहा है किसी ना किसी का, 2 का जा रहा है, ठीक है। 23 61, किसी का भाग नहीं जा रहा है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, आ गया समझ में? तो ये एक पेयर है, किसका पेयर है, प्राइम नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइम नंबर, याद कर लेना, क्लियर हो गया। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, क्लियर है, वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। जैसे देखा 23 61, ऑटोमेटिकली दिमाग काम करेगा प्राइम नंबर है, ये अलग है, क्लियर हो गया। चलिए एक 4 3 8, 3 3 2 8, 2 5 3 9, 2 4 3 9, 1 4 3 8, 3 3 2 8, 2 5 3 9, 2 4 3 9, क्या होगा? ये कॉमा है सारे, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इनको एक मान लो, लाइट नहीं दिख रही थी हमने एक मान लिया, ठीक है, इतना ऐसा मत कर देना, ठीक है, ये सारे के सारे कॉमा है, कॉमा थोड़े से बड़े हो गए। 1 4 3 8, 3 3 2 8, 2 5 3 9, 2 4 3 9, ठीक है, निकालिए प्राइम नंबर, कौन सा आंसर होगा ए बी सी डी में से, ठीक है, करें स्टार्ट। 1 4 3 8, कैसे करेंगे ऐसा सवाल, देखिए 1 और 4 5, 5 और 3 8, ठीक है, आपस में संख्या को जोड़ना है, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 3 और 3 6, 6 और 2 8, सही है। अगला 2 और 5 7, 7 और 3 10 होना चाहिए था, नहीं हो रहा फॉलो पैटर्न, ये ऑड मैन है, अगला एक बार चेक कर लो, 2 और 4 6, 6 और 3 9, बिल्कुल सही है, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये अलग है, ठीक है, समझ में आया। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 2 और 5 7 और 3 10, 10 नहीं है, 9 है, ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो ये आपका था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। आगे मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, और अभी हाल फिलहाल अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर्स, ए बी सी डी के ऊपर अपन क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आशा कर सकता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर और सब्सक्राइब कराएंगे।